परमपिता परमेश्वर, मेरे भले यीशु ने जैसे मानव मात्र के उद्धार के लिए कांटेदार मुकुट, भारी भरकम क्रूस और कोड़ों के वार को चुपचाप सहन किया है, ऐसी कठोर यातनाओं को सहर्ष स्वीकार करते हुए हमारे ही पुनरुत्थान के बारे में सोचा है, वैसी ही सहनशीलता, क्षमाशीलता और त्यागशीलता को हम अपनाएं, ताकि जीवन की कठोरतम परिस्थितियों का सामना शांति और धैर्य पूर्वक कर सकें। सेवेंथ स्टेशन, जीसस फॉल्स फॉर द सेकंड टाइम। इन डीप एक्सर्शन, जीसस स्टेयर्स एट बीनीथ हिम। ओ लॉर्ड, वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स इन यू। वी आर वीक इंडीड, बट योर लव इज ग्रेटर देन आवर फेलियर्स। Your love is always ready to accept and understand us, but we let ourselves to be taken by the temptations of the world, perhaps for nothing more than a glimmer satisfaction. All the thought of that someone is still wants us, that someone says he or she likes, even loves us. At times it is a struggle even to maintain the commitment to accomplish your will. The Son of God loved me and gave himself for me. By suffering for us, he not only provided us with an example of our imitations, he blazed a trail for us so that we lead a life with a new meaning. आज चारों ओर विघटन दिखाई दे रहा है। ईर्ष्या, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के चलते मनुष्यों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। दया, सहयोग और आत्मीयता घट रही है। परस्पर तनाव ने कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन को जन्म दिया है। पति पत्नी के बीच हो रहे छोटे मोटे विवाद तलाक की पायदान पर पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते घर में अकेले रह रहे बच्चे अकेलेपन का शिकार होकर सामाजिक माध्यमों से दोस्ती कर बैठे हैं। परिवारों में बिखराव है, जिसके प्रभाव से समाज भी अछूता नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे युवाओं में हिंसा, अपराध और ऐसी ही न जाने कितनी प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। ओ लॉर्ड, गिव अस इंटीरियर पीस, काम द स्टॉर्म्स ऑफ आवर पैशंस बाय गिविंग अस करेज टू ओवरकम देम। ग्रांट दैट आवर डिजायर्स मे बी सबमिसिव टू रीजन, to faith and to God. Come, my Savior, heal the pride of my heart. Invest me with your strength, that I may conquer my passions. Animate me with your spirit, that I may seek only to please you. Permit not, O Lord, my afflictions to become unavailable to salvation. And if I don't suffer them with joy, grant at least that I may endure them with patience. Amen.